हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर और ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह स्नैक्स 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए तवे पर बटर डालते हुए उसमें पनीर डालकर उसे सेक लेंगे। पनीर के ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ओरेगनो मिक्स मसाला डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। पनीर को लो फ्लेम पर सेकते हुए इन्हें पलट लेंगे। पनीर के हल्का सिक जाने के बाद इन्हें पलट कर सेक लेंगे। अब पनीर को प्लेट में डाल देंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को बेल लेंगे। ब्रेड को बेलने के बाद इसके ऊपर हम चीज का स्लाइस डालेंगे। चीज के ऊपर पनीर डालकर इसे रोल कर लेंगे। रोल करते समय हमें चारों तरफ से ब्रेड पर पानी लगाना है और फिर रोल करना है। इसी तरह से सभी ब्रेड्स को हमें रोल करना है। अब इन रोल्स को चार भागों में कट करना है, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। इसी तरह से सभी रोल्स को कट कर लेंगे। कटके हुए पीसेस को हम स्टिक में डाल देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस तरह से सभी स्टिक्स को तैयार कर लेंगे। अब तवा गर्म होने पर उसमें बटर डालेंगे। बटर के मेल्ट होने पर इसमें हम गार्लिक पाउडर डालेंगे। अब इस बटर में हम सभी स्टिक्स को सेक लेंगे। सभी स्टिक्स के ऊपर हम टमाटर पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे। यहाँ आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं। यह स्नैक्स आप अपने बच्चों के लिए हल्की भूख लगने पर बना सकते हैं। एक तरफ से हल्का रोस्ट होने के बाद इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी रोस्ट कर लें। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बना है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपका कैसा बना हमें शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।